नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य मोहन ठाकुर इसे एमडी क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। यहां पर हम बेसिक हिंदी पढ़ना लिखना सीखते हैं। 100+ वीडियोस बन चुकी है, पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ एक मात्रा बची है जिसका वीडियो अगले महीने आपको मिल जाएगा। ठीक है, उससे पहले मैं सभी चीज़ें यहाँ पर मैं सभी चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जो भी चीज़ मैंने यहाँ पर कराई हुई है, सभी वीडियोस, यदि आप 10 वीडियो कोई भी देखेंगे तो आपको सभी वीडियोस का पता चल जाएगा। किसी भी चीज़ को जानने के लिए उससे जुड़ना पड़ता है। यदि आप मुझसे जुड़ेंगे, 2-4 वीडियोस देखेंगे तो आपको सब चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएगी। यदि 1-2 वीडियो देखकर पता करने की कोशिश करेंगे क्या है, तो शायद उसमें आपको दिक्कत होगी। लेकिन यदि आप हिंदी सीखना चाहते हैं और सच में सीखना चाहते हैं, तो 10 वीडियो कम से कम मेरी देखिए और उसमें क्या क्या कह रहा हूँ उन चीज़ों को आप मानिए और उनको लिखने का भी अभ्यास कीजिए। लाइन वाइज देखेंगे सभी चीज़ें तो आपको बहुत आसानी रहेगी, सभी चीज़ें समझ में आएंगी। तो इस वीडियो को 100 वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इस वीडियो में कि क्या क्या किस तरह से लगा हुआ है। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो रेगुलर वीडियोज़ देखते हैं, जिनको सब कुछ आता है, जिनको सब कुछ पता है और काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हमारे चैनल पर नए आए हैं, उनको दिक्कत होती है लाइन वाइज हम क्या सीखें, किस चीज़ को हमें पहले करना चाहिए। बहुत लोग अपने सवाल बीच बीच में देते थे कि सर हमें इस मात्रा को कराइए, इस मात्रा को कराइए, इस मात्रा को कराइए, लेकिन मैंने उन मात्राओं को बीच बीच में से नहीं किया। मैंने क्या कराया, जो चीज़ें लाइन वाइज होती है मैंने पहले उन चीज़ों को कंप्लीट कराया जो कि आपके सामने हैं। इन सभी को बनाने के लिए 100 वीडियोज़ लगी हैं, 100 वीडियोज़ में सवालों के जवाब भी मैंने, चीज़ों को कैसे लाइन वाइज देख सकते हैं उसके लिए गाइड वीडियो मैंने ये बनाई है। और मुझे आशा है इससे बहुत लोगों को लाभ होगा और बहुत लोग इससे हिंदी पढ़ना लिखना सीखेंगे, हिंदी मात्राओं का डर अपना दूर करेंगे। सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं हिंदी में, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह। उसके बाद री भी होता है, री को मैंने यहाँ नहीं लिखा है क्योंकि अभी री की मात्रा नहीं बनाई है। री की मात्रा की वीडियो इस महीने के लास्ट तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सभी स्वर होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं हमारे वही मात्राएं बन जाती है। जैसे अ अमात्रिक मात्रा होती है, आ की आ का डंडा लग जाता है, ई की मात्रा पीछे की तरफ लग जाती है, बड़ी ई की मात्रा आगे की तरफ, छोटे ऊ की मात्रा पीछे की तरफ, बड़े ऊ की मात्रा इस तरफ लग जाती है। तो ये सभी चीज़ें मैंने अपनी वीडियोस में बनाई हुई है। यदि आप 100 वीडियोस देखते हैं तो ये सभी चीज़ें आ जाएगी आपको, और इनका मात्राओं का अभ्यास भी मैंने आप लोगों को कराया है, पढ़ना और लिखना दोनों। जानते हैं सबसे पहले कौन सी चीज़ होती है, तो पहले अ होती है अमात्रिक मात्रा, जैसे अब अब, म ग र मगर, अमर अमर। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द मैंने कराए हुए हैं अपनी वीडियोस में, वो सभी वीडियोस आप लाइन वाइज नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट, अगर आपको पता है यूट्यूब का प्लेलिस्ट क्या होता है तो वहाँ पर सभी वीडियोस आपको लाइन वाइज मिल जाएंगी। तो ये हमारे अमात्रिक शब्द होते हैं, फिर आ की मात्रा के शब्द, फिर छोटी ई की मात्रा, फिर बड़ी ई की मात्रा, फिर ऊ की मात्रा, फिर बड़े ऊ की मात्रा, फिर ए की मात्रा, फिर ऐ की मात्रा, फिर ओ की मात्रा, फिर औ की मात्रा, फिर अंग। अंग क्या होता है, अंग अनुस्वार होता है। ठीक है, फिर ये अनुनासिक होता है, जिसके ऊपर बिंदी होती है ये अनुस्वार होता है, जिसके ऊपर बिंदी के साथ चांद की मात्रा होती है ये अनुनासिक होता है। ये अह विसर्ग कहते हैं इसको, अह विसर्ग। ये शुरुआत में मैंने आपको नहीं बताया था इस तरह से, जब वीडियोस बनी तब बताया, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ी एडवांस है। जब आप ये जितनी वीडियोस मैंने कराई है उनके वो सब चीज़ें सीख लेंगे, उसके बाद ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हिंदी को पढ़ना लिखना सीख रहे हैं। उसके बाद ये आगत शब्द होते हैं जो ऊपर ऐसे निशान लगाए जाते हैं, ये नुक्ता शब्द होते हैं जो कि ज फ और क पर लगाए जाते हैं। तो आशा है अगर आप ये सभी वीडियोस देखेंगे तो अच्छे से सभी चीज़ों को आप आसानी से सीख सकते हैं। मैंने कुछ लोगों की हेल्प करने के लिए ये चैनल को बनाया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके और वो हिंदी पढ़ना लिखना सीख सके। जितनी भी मेरी नॉलेज है उसका फ़ायदा वो लोग भी उठा सके, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे को खर्च किए। तो ये सब चीज़ें आप सीख सकते हैं सिर्फ वीडियोज़ को देख के। अच्छे से चीज़ों को फॉलो करेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। यदि खुद पर विश्वास नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेंगे, बिना खुद पर विश्वास के कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके बाद ड र ढ ढ में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, श श श में लोगों को बहुत दिक्कत होती है, अक्षत्र यहाँ के शब्दों में दिक्कत होती है, श्र ज फ ढ ढ में लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो इन सब पर सेपरेट वीडियो मैंने बनाई हुई है, इसकी अलग वीडियो 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 बनाई हुई है। अब ये सारी तो आप कहेंगे कि आपने तो करा दिया, सारी करा दिया, इनका अभ्यास नहीं कराया। अभ्यास वीडियो तो आप डालते नहीं, इमला की वीडियो तो डालते नहीं। तो जो जो मात्राएँ होती गई, जैसे 3 मात्राएँ हो गई तो उसके नाम की वीडियो मैंने बनाई, फिर उसके आगे मात्राएँ हो गई तो उसके नाम की वीडियो बनाई, फिर उसके आगे मात्राएँ हो गई तो उसके नाम की वीडियो बनाई। तो
नाम के वीडियो की 8 वीडियो मैंने अभी तक बनाई हुई है। अभी 2 मात्राएं रह गई है तो 2 वीडियो मैं रोक के चल रहा हूँ। जब वो 2 मात्राएं कराऊंगा तो उसके हिंदी के कठिन शब्द आप लोगों को कराऊंगा। तो ये नाम लिखने की 8 वीडियो बनाई हुई है जो कि एक इमला की तरह है। जब आप ये सारी मात्राएं सीख लेंगे तो नाम की वीडियो को देखकर अपना अभ्यास कीजिए कि क्या वो सही है या गलत। इसमें लिखना और पढ़ना हर जगह मैंने सब चीज़ें बताई हुई है। उसके बाद लोगों के सवाल होते हैं, जैसे आप अभी मैं कह रहा हूँ इतनी बातें मैंने कही तो आपके सवाल होंगे, तो सवाल देखने के लिए आप लाइव सेशंस देख सकते हैं। 7 लाइव सेशंस मैं अभी तक कर चुका हूँ जिसमें आप लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं। जैसे शुरुआत में जितने भी सवाल आते हैं सबके मैं जवाब देता हूँ ऑनलाइन, तो आप जाके देख सकते हैं, वो लाइव सेशंस में आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। अब इसके बाद कुछ लोग चाहते हैं कि डायरेक्ट मुझसे बात करें, डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज करने से पहले आप वहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, आप कितने पढ़े लिखे हैं ये लिख दीजिएगा, आपने कितने वीडियोस देखी हैं ये लिख दीजिएगा, और आपको क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत आ रही है ये चीज़ लिख दीजिएगा। कुछ सवालों के जवाब लिखकर वहाँ पर अगर मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। यदि मुझे लगा कि आपसे कॉल करके बात करनी चाहिए तो आपसे बात भी करूँगा। ये 100 वीडियोज़ हैं आपको हिंदी पढ़ाने लिखाने के लिए। ये मेरी तरफ से कोशिश है आप लोगों को 50%, आधा काम मैंने आप लोगों के लिए कर दिया है यहाँ पर वीडियोज़ अपलोड की है। आपको जब भी समय मिलता है यहाँ पर आइए, वीडियोज़ देखिए, जो भी वीडियो आप देखते हैं। अब मान लीजिए आपको ये वीडियो मिली है तो इसी वीडियो को अच्छे से देखिए, जितने भी वीडियोस मिली है, फिर ये वीडियो मिली, तो इसी तरह से जब आप लगातार देखते रहेंगे तो कई सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। और जब बार बार रिपीट होता रहेगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या कहता हूँ। कुछ लोगों को यूट्यूब चलाना नहीं आता तो उन्हें दिक्कत होती है वीडियोज़ को ढूंढने में, वो चीज़ आपको थोड़ी समझनी पड़ेगी कि प्लेलिस्ट क्या होता है और डिस्क्रिप्शन क्या होता है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है। बहुत लोगों के अभी भी सवाल आते हैं कि हमें वीडियोस नहीं मिलती लाइन वाइज, तो नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, ब्लू कलर के लिंक होते हैं, वहाँ आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट लाइन वाइज वीडियोस पे पहुँच जाएंगे जहाँ पर यहाँ से शुरू होती है वीडियोस। तो यहाँ से लाइन वाइज अगर आप देखते हुए जाएंगे तो सभी चीज़ें समझ में आएगी। अब हिंदी एक कठिन सब्जेक्ट है, इस पर मेहनत करनी पड़ती है, फोकस लगाना पड़ता है। आप हिंदी सीख रहे हैं तो पूरी एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने में महीनों लगते हैं। यदि आप महीनों लगाकर इन सब चीज़ों को करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आप ज़रूर सीखेंगे। और खुद पर भरोसा रखिए, चीजों को अच्छे से करते चलिए। आगे जो वीडियोस आएंगी वो एडवांस आएगी, इन सब चीजों का रिपीटेशन नहीं होगा। अब नई चीजें आएंगी, पहले मात्राओं में अंतर बताऊंगा, जैसे 2-2 मात्राएं लेके पहले इन दोनों में अंतर, फिर इन दोनों में अंतर, फिर इन दोनों में अंतर, फिर इसमें और इसमें अंतर, फिर इसमें अंतर, फिर इन तीनों में अंतर, फिर इनमें अंतर। तो अंतर बताने का वीडियो मैं इसके बाद लाऊंगा। क्यों? उसको करने से पहले जब मैं अंतर बताऊंगा तो उससे पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उसी बेसिक नॉलेज के लिए आशा है आप लोग ये वीडियो ज़रूर देखेंगे और अपनी हिंदी को सुधारने का प्रयास करेंगे। इन वीडियोस को उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जो हिंदी पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं। मैंने इतनी मेहनत कर 1 साल के लगभग लगे हैं इन वीडियोज़ को बनाने में, तो इन वीडियोज़ को अगर आप फैलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, तो उसका थोड़ा बहुत फ़ायदा मुझे और अधिक फ़ायदा उन लोगों को होगा जो वीडियोज़ को देखकर सीखेंगे। बिल्कुल आप पढ़ना लिखना सीख सकते हैं बेसिक लेवल पर। इन वीडियोस के अंदर बहुत सारे 2000 के करीब वर्ड्स हैं। अगर 2000 के करीब आप वर्ड्स को जानेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो अपने आप वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। तो कोई भी चीज़ एट ए स्ट्रेच एक टाइम में नहीं होता, उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, थोड़ा बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी भी होंगी जो समझ में नहीं आएंगी, बट सभी चीज़ों पर ओवरकम करना है आपको, सभी चीज़ों से लड़ना है, उनको समझना है। कुछ मिस हो रहा है तो कोई बात नहीं, फिर आगे उसको कोशिश करना है। एक चीज़ को अगर आपने आज समझा, अच्छे से समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, उसको फिर दोबारा से समझने की कोशिश कीजिए। 10 दिन बाद उस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर आपको और अच्छे से वो चीज़ समझ में आएगी। तो मेरी यही मनोकामना है कि आप लोग अच्छे से हिंदी पढ़ना लिखना सीखें। 100+ वीडियोस AMT क्लासेस चैनल पर अपलोड है। आप सभी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, अच्छे से गाइड करेंगे, लाइन वाइज उन वीडियोस को देखेंगे और कोशिश करेंगे अच्छे से अभ्यास करने की पूरी ईमानदारी से। 50% काम मेरा है, बाकी 50% काम आप अपना पूरा फोकस के साथ करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप हिंदी पढ़ना लिखना 70% तो ज़रूर सीख जाएंगे। बाकी अपने ऊपर होती है बात कि हम अपने आप को कितना डेवलप करते हैं और कितनी मेहनत कर रहे हैं। उसके बाद आगे बहुत सारी चीज़ें इस चैनल पर आती रहेंगी, बट इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें अब रिपीट नहीं होगी, अब इसकी एडवांस चीज़ें आएंगी। कठिन शब्दों के लिए बहुत लोग कहते हैं, तो आगे की वीडियोज़ में कठिन शब्द आएंगे जिसमें मैं कठिन शब्द बोलूँगा और फिर उन्हें लिखूँगा, वो अलग अलग मात्राओं के होंगे। अब लोग कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता, मात्राओं में दिक्कत है, तो मात्राओं का बेसिक आपको क्लियर होगा। काफ़ी चीज़ें इसमें नई है जो आपको शायद
पता ना हो। तो इन वीडियोस को देखना ज़रूरी है उन लोगों को भी जिनको पहले से आती है, अगर उन्हें मात्राओं में दिक्कत होती है तो। अगर उन्हें मात्राओं में दिक्कत नहीं होती, कोई भी शब्द लिख लेते हैं, उन्हें अभ्यास नहीं मिलता, तो वो इंतज़ार कीजिए, कुछ दिन उनके कठिन शब्दों की और शब्द अर्थ की वीडियोज़ आने वाली है इस चैनल पर। तो सभी चीज़ें लगातार आती रहेंगी। आप लोगों के समर्थन के लिए, आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर हूँ। यदि आप लोग समर्थन देते रहेंगे तो मैं सभी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करूँगा और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करूँगा। कहानियों के लिए भी मैं यहाँ पर वीडियोस लाऊंगा, कहानी बोलूँगा और उन्हें लिखूँगा, और इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए करूँगा। यदि आप लोग अपना सपोर्ट दिखाते हैं, वीडियोस को देखते हैं, इन्हें शेयर करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं सभी चीज़ों को, तो बहुत लोग अपना समर्थन दिखा रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और अलग अलग मेरे यूट्यूब चैनल्स पर अपना सपोर्ट दिखाते रहते हैं। तो उन चैनल पर सभी सपोर्ट दिखाइए अपना, ताकि मैं यहाँ पर एक्टिव रह सकूँ और आप लोगों के लिए सेवा कर सकूँ, आपके लिए फ्री वीडियोस बना सकूँ। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको गाइड करेगी कि आप कैसे सभी चीज़ों को लाइन वाइज सीख सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, यदि आपको कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि इसी तरह से बेसिक इंग्लिश और बेसिक मैथ सीखना चाहते हैं तो आसान है चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर 200 प्लस वीडियोज़ अपलोड है इंग्लिश और मैथ्स पढ़ने की, और यहाँ पर अपलोड है 100 प्लस वीडियोस हिंदी पढ़ने की। तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ बेसिक लेवल से आप मुझसे जुड़कर सीख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।